हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एएन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में फिर से लाइव आया हूं और आज अपने इस वीडियो में आप लोग को मर्दाना कमजोरी की दवा बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। सारी दवा मेडिसिन जो है सिम्टम के अनुसार बताऊँगा। और सबसे पहले चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस कारण से जो है मर्दाना कमजोरी आती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण होता है खान पान सही नहीं है, सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं अपने भोजन में, सिर्फ पेट भरने से मतलब रखते हैं तो इससे नहीं होता है। दूसरी चीज़, सही न्यूट्रिशन लेना चाहिए, सही सप्लीमेंट लेना चाहिए, सही टाइम से भोजन खाना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है, हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व मिलते हैं, विटामिन्स मिलती हैं, इसकी वजह से जो है कमजोरी नहीं आती है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दिन में सोते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं, या बहुत सारी आजकल की युवा पीढ़ियां हैं जो शौक के वश जो है देर रात तक जगते हैं, 1 बजे 2 बजे रात तक जगते हैं, 12 बजे तक जगते हैं और दिन में देर तक सोते हैं। इसकी वजह से भी नपुंसकता आती है, क्योंकि उनके बॉडी का जो है सारा सिम्टम जो है अलग होने लगता है, डाइजेशन खराब होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, शरीर में थकान आने लगती है। इसकी वजह से भी मर्दाना कमजोरी आती है। और मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मादक पदार्थ लेते हैं, जैसे कि किसी प्रकार का नशा हुआ, अल्कोहल हुआ, शराब हुआ, तो इसके वजह से भी नपुंसकता बहुत तेज़ी से आती है। बहुत सारे लोग जो है शौक बस लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मसाला, बहुत तेल वाली चीज़ें जो खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो इससे जो हमारा लीवर पे इफेक्ट पड़ता है और शरीर थुथली होती जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बहुत तेज़ी से घटने लगता है, लीवर ख़राब होता है, तो हमारे शरीर में जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलते, विटामिन्स नहीं मिलते है, इसकी वजह से भी मर्दाना कमजोरी होती है। और मैं आप लोग बता दूं, कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जैसे कि उनके अंदर बहुत ऐसी कोई बीमारी है, क्रोनिक डिजीज़ हो, बहुत दिन तक दवा चली हो, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किए हों, इसकी वजह से भी जो है उनके अंदर नपुंसकता आने लगती है, मर्दानी कमजोरी आने लगती है। और चीज़ मैं आप लोग कुछ खास चीज़ बता दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर देते हैं, कम उम्र में बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर देते हैं, इसकी वजह से जो है उनका जो है लिंग सिकुड़ जाता है, पिरोनी डिजीज हो जाती है, उनके अंदर मर्दाना कमजोरी हो जाती है, उनका स्पर्म पतला हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी सेक्स कर लेते हैं, एक दिन में कई कई बार कर लेते हैं, तो इसकी वजह से भी मर्दाना कमजोरी आ जाती है और फिर पतला हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल घटने लगता है और मेंटली कमजोरी आने लगती है, फिजिकली कमजोरी आने लगती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि उनको जो है नाइट फॉल की समस्या होती है, स्वप्न दोष की समस्या होती है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बिना स्वप्न देखे ही उनका वीर्य स्खलन हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है स्वप्न देख करके उनका वीर्य स्खलित होता है, या बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको धात की समस्या होती है, शौच करते समय, या तो पेशाब करते समय, या तो किसी से बात करते समय, या तो इस तरह से भी अनजाने में चल रहे हैं तभी इस तरह से निकल जाता है चिपचिपा पदार्थ जो है पेनिस से, तो इसकी वजह से भी मर्दाना कमजोरी होती है। किसी भी चीज़ का अति होना भी मर्दानी कमजोरी का एक कारण होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में बता दिया किस कारण से होता है, और मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवा बताऊंगा जो कि सिम्टम के अनुसार बताऊंगा। इसको जानने से पहले, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताने जा रहा हूँ सिम्टम के अनुसार। जैसे कि किसी की लंबी बहुत दिन तक जो है दवा चली हो बहुत ज़्यादा, इसके वजह से उसके शरीर में जो है कमजोरी आ गई है, नपुंसकता आ गई है, या तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल या किसी प्रकार का नशा करते हैं, इसके वजह से जो है उनके अंदर जो है मर्दाना कमजोरी आ जाती है, तो उसमें अवेना सटाइवा की होम्योपैथिक की जो मदर टिंचर होती है अवेना सटाइवा, इसको 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिन लें, ये समस्या बिल्कुल उनकी सही हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा का मैं सिम्टम आप लोग को बता देता हूँ कि अश्वगंधा एक तरह से एक हर्बल प्रोडक्ट होता है, एक तत्व होता है, और उससे जो है मदर टिंचर बनाया जाता है। पुरुषों के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। पुरुषों में किसी भी प्रकार से कमजोरी हो, शरीर दुबला पतला हो, मेंटली कमजोरी हो, कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होता है, या दस्त कमज़ोर हो जाती है, या तो शारीरिक कमजोरी है या तो फिजिकली कमजोरी है, उसमें बहुत ही
अच्छा काम करता है। इसके अलावा पुरुषों में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है पुरुषों का, जो मेल हार्मोन्स होता है उसको बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, या दिमाग बहुत जो है उनका डिस्टर्ब रहता है किसी भी कारण से, तो ऐसे पेशेंटों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। और जिनका शीघ्र पतन बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइमिंग बिल्कुल कम हो गई रहती है और स्पर्म पतला हो गया रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है अश्वगंधा। 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम पानी में कुछ दिन लें, यह समस्या आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। और नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों न्यूफरलुटियम, इसका नाम है, ये मदर टिंचर होता है। इसका मैं आप लोग को चलिए सिम्टम बताता हूँ। इसमें जो है सेक्स की जो बिल्कुल इच्छा घट जाती है, और मानसिक जो है अवसाद जो होता है, मानसिक ग्रसित हो जाते हैं पेशेंट इसके, और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, शारीरिक कमजोरी हो जाती है, शारीरिक जो है कमजोरी भी हो जाती है, शारीरिक नपुंसकता भी हो जाती है, और जो पेनिस जो होता है बिल्कुल बेजान हो जाता है। चाह करके भी वो चाहें कि हम सेक्स कर लें तो ऐसा नहीं होता कि स्टैंड हो जाए, वो कभी स्टैंड ही नहीं होता है। ऐसा होता है कभी कभार, अगर थोड़ा बहुत कुछ कुछ पल के लिए जो है स्टैंड होता है, फिर जो है बिल्कुल जो है लूज हो जाता है। और इसमें जो है अंडकोश और शिश्न पेनिस में दोनों में दर्द रहता है। और इसका मुख्य सिम्टम है दोस्तों, जो न्यूफरलुटिया के पेशेंट होते हैं उनका पेशाब कभी कभी देखेंगे तो दुधिया के कलर का होगा, मटमैला कलर होता है, और मल त्याग करते समय या तो शौच करते समय, पेशाब करते समय, बात करते समय धात जो है इसमें गिरता है, और धात जो है बिल्कुल जो है पतली होती है। थोड़ी सी उत्तेजना में, थोड़ी सी एक्साइटमेंट थोड़ा सा भी हुआ तो उसमें जो है वीर्य निकल जाता है। और ऐसे पेशेंटों के पेट में हमेशा जो है जलन टाइप बना रहता है, एसिडिटी बनता है, जो न्यूफरलुटिया के पेशेंट होते हैं। तो अगर इस प्रकार से सिम्टम मैच करता है तो न्यूफरलुटियम मदर टिंचर जो है 15-15 वो सुबह दोपहर शाम पानी मिले, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आपकी समस्या कुछ दिन में सही हो जाएगी। और नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि सेलिक्स नाइग्राज है। सेलिक्स नाइग्रा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यह मदर टिंचर इसका जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका मैं सिम्टम बता दूं कि जो इसके पेशेंट होते हैं उसके जो पेशाब में हो, पेशाब करते समय जो है पेशाब की नली में जलन होता है और पेशाब में दर्द भी होता है, पेशाब की जो नली होती है उसमें दर्द भी रहता है, कभी कभी पेशाब करते समय जो खून भी आता है, और पेशाब करते समय धात की भी मात्रा उसमें चिपचिपा पानी भी आता है। और लिंग के मुंह पे जो है इसका सिम्टम है दोस्तों, लिंग के मुंह पे सूजन हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, पेशाब की नली में जलन होता है, दर्द होता है, पेशाब करते समय खून भी आता है, वीर्य भी आता है, और लिंग के मुंह पे जो है सूजन हो जाती है। और मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें जो है जो पेशाब की धार होती है पतली धार होती है, बहुत कम मात्रा में आती है, और इसमें लेकिन इसमें जो है सेक्स की जो इच्छा होती है प्रबल होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है मन में, लेकिन चाह करके भी असमर्थ रहता है इसका जो रोगी होता है, जो सेक्स नहीं कर पाता है। तो इस तरह से अगर सिम्टम मैच करता है तो सेलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम पानी में लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि एसिड फास क्यू बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। एसिड फास की शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, सेक्सुअली कमजोरी, तीनों की बहुत बेहतरीन जो है मेडिसिन है दोस्तों। इसका सिम्टम है आप लोग बता दूं कि इसके जो पेशेंट होते हैं अकेले रहना चाहते हैं, अकेले में जो है बिल्कुल शांत स्वभाव होता है, और किसी भीड़ भाड़ में नहीं रहना पसंद करते हैं, किसी दोस्तों के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं, अक्सर करके जो है वे डर जाते हैं, किसी अचानक किसी आवाज़ को सुनते हैं या कोई इस तरह से करता है तो वो डर भी जाते हैं, क्योंकि मेंटली बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और दोस्तों के साथ में नहीं रहना पसंद करते हैं। और रात में जो है मैं आप लोग को बता दूं कि इनको बहुत ज़्यादा पेशाब लगती है और नाइट फॉल की समस्या होती है इनके पेशेंटों को, और जो है बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किए रहते हैं या तो बहुत ज़्यादा सेक्स किए रहते हैं, इसकी वजह से उनको कमजोरी आई रहती है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है धात की समस्या भी होती है, जो एसिड फास के पेशेंट होते हैं उनको धात की समस्या होती है, धात की वजह से जो है उनकी शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है,
दुबली पतली हो जाती है, तो उसमें जो है एसिड फास्ट बहुत ही अच्छा काम करता है, शारीरिक मानसिक फिजिकली तीनों कमजोरी में बहुत ही अच्छा काम करता है। मुख्य रूप से अगर किसी को धात की समस्या है तो एसिड फास्ट क्यों दीजिए, या बहुत ज़्यादा सेक्स कर लिए या तो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर लिए, इसकी वजह से जो होता है जो इसके पेशेंट होते हैं इसके आँखों के नीचे जो है घेरा बन जाता है, दुबली पतली शरीर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम पानी में लीजिए, कुछ दिन देखेंगे आपकी जो है शरीर में थकावट या कमजोरी लगती है वो सही हो जाएगी, आपके चेहरे पे ग्लो करने लगेगा और जो है कमजोरी जो धात की समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि कोनियम माइकुलेटम 200 पावर में लीजिए। इसमें कोनियम माइकुलेटम में जो इसके पेशेंट होते हैं इसमें कामेच्छा बहुत ज़्यादा होती है, जो सेक्सुअल इच्छा होती है, डिजायर होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बार बार सेक्स करने का मन करता है, उसी पर बार बार ध्यान जाता है, और महिलाओं को देखते ही या गले लगाते ही या उनको छूते ही उनका वीर्य अचानक ऑटोमेटिक निकल जाता है, और शारीरिक रूप से बिल्कुल जो है कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर शीघ्र पतन की बिल्कुल समस्या होती है, 100% समस्या होती है, वे 1% अपने वीर्य को कुछ पल के लिए नहीं रोक पाते हैं, ऐसे पेशेंटों का वीर्य बिल्कुल जो है पतला हो जाता है पानी की तरह से। और कुछ सिम्टम इसके ऐसे हैं जैसे अंडकोश जो होता है वो कड़ा भी हो जाता है और उसमें दर्द भी रहता है, जो कोनियम के पेशेंट होते हैं, और ऐसे पेशेंट हैं जो नपुंसक हैं या तो मर्दाना कमजोरी है, अगर उनका वीर्य पतला हो गया है या बहुत ज़्यादा सेक्स की इच्छा बनती है और अंडकोश में दर्द है और कड़ा भी हो जाता है छूने पर, तो कोनियम माइकुलेटम 200 पावर में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जीभ पे लें, 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जीप पे कुछ दिन लें, ये समस्या उनकी बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, सिलेनियम। सिलेनियम जानते हैं कि एक प्रकार का जो है ये तत्व तो होता है हमारे शरीर में पाया जाता है, जो इसके पेशेंट होते हैं ये बिल्कुल मानसिक अवसाद से ग्रस्त होते हैं, जो मेंटली होते हैं वो ग्रसित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्स किए रहते हैं या तो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से तनाव में रहते हैं हमेशा और इस तरह से टेंशन में रहते हैं हमेशा, तो ऐसे पेशेंट जो है नींद में या तो स्वप्न में या तो मूत्र त्याग में मल त्याग के दौरान या चलते फिरते भी जैसे पेशाब कर लिए हों तो चलने के बाद उनका पेशाब पैंट में निकल जाता है, या तो चल रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो पेशाब जो है वीर्य जो है चिपचिपा उनके मुंह पे आ जाता है, तो नींद में भी वीर्य निकल जाता है, स्वप्न में भी निकल जाता है, पेशाब करते समय भी निकल जाता है और जो है शौच करते समय भी उनका जो है स्पर्म जो है निकल जाता है थोड़ा सा, तो ऐसे पेशेंट हैं उनके शरीर जो है दुबली पतली है बिल्कुल, तो कमज़ोर हैं बिल्कुल देखने में, तो ऐसे पेशेंट हैं तो आप जो है सिलेनियम 200 पावर में लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करती है, 200 पावर में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जी पी लीजिए, ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, कुछ दिन में देखेंगे तो ये समस्या बिल्कुल सही हो जाती है। और सिलेनियम के जो पेशेंट होते हैं वे अक्सर करके कमज़ोर पाए जाते हैं, जो सीने से जो है कमज़ोर होते हैं, क्रोनिक डिजीज जैसे होती है जैसे अस्थमा के पेशेंट हुए या तो टीबी के पेशेंट हुए, उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है सिलेनियम। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि इनका जो वीर्य होता है जो सिलेनियम के पेशेंट होते हैं बिल्कुल पतला होता है, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि स्पर्म में एक स्मेल आती है, लेकिन जो इसके पेशेंट होते हैं इसका वीर्य इतना पतला हो जाता है कि उसमें गंध ही नहीं रहती है किसी प्रकार की, और लिंग में बिल्कुल 1% भी तनाव नहीं, आप पता है बिल्कुल जो है पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है, तो सिलेनियम 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों मैंने अपना सारा सिम्टम आपको बता दिया, जिस सिम्टम से आपका जो है मैच करता है वही दवा लीजिए और आपको जो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी वही दवा आपको काम करेगी, तो अलग अलग सिम्टम में अलग अलग मैंने मेडिसिन बताई है। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर किसी को इस प्रकार से ट्रीटमेंट कराना हो तो मैं खुद दवा भेजता हूँ और ट्रीटमेंट करता हूँ अपने यहाँ से, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8299391146, याद कर लीजिए दोस्तों 8299391146, दूसरा मेरा मोबाइल नंबर है 9170120291, 9170120291, ये दोनों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब नंबर है दोस्तों, आप जब चाहें तो कॉल करके बात कर सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं, मैं दवा यहाँ से कोरियर करता हूँ, और अच्छा वीडियो लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।